हेलो क्लास नाइन्थ, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर फिफ्थ, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इन द ज्योग्राफी सेक्शन। इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, लैंड सॉयल्स, क्लाइमेट, टेम्परेचर, फोटो पीरियड, प्रेसिपिटेशन। इट मीन्स व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑन विच द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ टेक्स प्लेस, एंड व्हाट इज द इकोसिस्टम, ओके, एंड विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस, और what are the distribution of different types of vegetations. These all things are okay. So let me discuss about this start. In our India, we see that there is the huge biodiversity in the country worldwide, and lump sum 47,000 plant species in India occupies 10th place in the world and 4th in Asia in plant diversity. Okay बच्चों, हमारे देश का जो है, देश में लगभग 47,000 पौधे की स्पीशीज पाई जाती है, और पूरे वर्ल्ड में जो है इसका 10th प्लेस है, 10वां स्थान है, और चौथा स्थान एशियन, पूरा एशिया में है प्लांट डाइवर्सिटी के मामले में। और बायोडाइवर्सिटी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूज है, जिसमें 15,000 पौधे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो फूलों के पौधे पाए जाते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड का 6% पार्ट फ्लावरिंग प्लांट का बनाते हैं। ओके, अब आता है कि हमारे ही देश में जैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, जैसे फर्न्स है, एल्गी है, फंजाई है, तो इंडिया में लगभग आप समझिए 90,000 स्पीशीज़ जो ऐसी हैं एनिमल्स की, जो कि बहुत ही ज़्यादा वैरायटी में रिच हैं, जो कि फ्रेश वाटर फिशेज और मरीन वाटर फिशेज दोनों रूप में पाई जाती हैं। यहाँ पर वर्जिन वेजिटेशन है। वर्जिन वेजिटेशन का मतलब है कि यहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन है, इट रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड बाई ह्यूमन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस इज टर्म्ड एज अ वर्जिन वेजिटेशन, मतलब यहाँ पर हमारे देश में ऐसा वेजिटेशन है जिस जो कि नेचुरल है, और साथ में वहाँ पे कोई भी सारी प्लांट कम्युनिटी है, वहाँ पे कोई भी एनिमल या जो ह्यूमन बींग की कह सकते हैं कि कम्युनिटी नहीं पाई जाती है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से। और इसके अलावा कुछ कल्टिवेटेड क्रॉप्स हैं, फ्रूट्स हैं, ऑर्चर्ड्स हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ वेजिटेशन में पाए जाते हैं जो कि नेचुरल वेजिटेशन में नहीं है। बट ये फ्रूट ऑर्चर्ड्स वगैरह जो बगीचे हैं जहाँ पे फ्रूट्स कल्टिवेटेड क्रॉप्स हैं, तो ये नेचुरल वेजिटेशन में आते तो हैं, बट वर्जिन वेजिटेशन में नहीं आते। वर्जिन वेजिटेशन वो होता है जो कि ह्यूमन एड के अलावा होता है, यानी कि जंगल, पहाड़, जंगलों में देखा आपने, पहाड़ों में देखा बहुत सारे जंगल होते हैं जिनमें नेचुरली जो उगते हैं। अब आता है जब वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज इंडेमिक और इंडिजिनियस स्पीसीज। वर्जिन वेजिटेशन का मतलब हुआ कि प्योरली जो स्वदेशी हमारे पौधे होते हैं, जो कि हमारे देश के अंदर ही उनकी जातियाँ पाई जाती हैं, जैसे नीम का पौधा, तो नीम का पौधा वो हमारे ही, हमारे देश का है, इंडिजिनियस है, हमारा स्वदेशी पौधा है। जबकि एक्सोडर्मिक का मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसी एग्जॉटिक प्लांट्स होते हैं जो कि विदेशों से उनके बीज लाए जाते हैं और वो यहाँ उगाए जाते हैं। अब आता है फ्लोरा और फौना क्या है। द टाइप्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इन अ पर्टिकुलर सर्टन रीजन दैट इज़ कॉल्ड एज फ्लोरा, एंड द टाइप्स ऑफ एनिमल्स और द स्पीशीज ऑफ द एनिमल्स वेराइटीज विच आर फाउंड इन द सर्टन रीजन दैट इज़ कॉल्ड एज फौना। मतलब किसी एक क्षेत्र में पाए जाने वाले सारे हर प्रकार के पौधे की स्पीशीज़ वो कहलाती है फ्लोरा, और एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले हर एक प्रकार के जो एनिमल की स्पीशीज है, वेराइटी है, वो कहलाती है फौना। अब आता है कि इसके बाद हम देखेंगे कि लैंड क्या है। अगर हम मेजर रिलीफ्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स आते हैं जिसमें कि जिस पर फ्लोरा और फौना हमारा डिपेंड होता है। जैसे लैंड है पहला, लैंड आल्सो अफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। कोई भी लैंड एरिया जो है नेचुरल वेजिटेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों रूप से ही प्रभावित करता है। इस लैंड एरिया में जैसे आपको देखना पड़ेगा कि जैसे माउंटेन है, प्लेटियो के रीजन है, प्लान और प्लेन एरियाज हैं, ड्राई और वेट रीजन्स हैं। अगर प्लेन में जाएंगे तो वहाँ पर वेजिटेशन आपको फिर भी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, माउंटेन्स में जो ऊपर चोटियों पे जाएंगे तो वहाँ कम मिलेगा, लेकिन फिर भी जो माउंटेनियरी लैंड्स एरियाज होते हैं वहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन बहुत ज़्यादा मिलता है। फर्टाइल लेवल भी जनरली जो होता है वो एग्रीकल्चर को डिवोट करता है, यानी कि जिस जहाँ प्लेन एरिया है वहाँ पर फर्टिलिटी ज़्यादा पाई जाती है, तो वहाँ एग्रीकल्चर भी डेवलप्ड होता है। जहाँ पर अंडुलेटिंग असमान उबड़ खाबड़ जमीन है, टेरेन ऐसा है कि थोड़ी उबड़ खाबड़ ज़मीन है, तो वहाँ पे ग्रास लैंड पाए जाएंगे, बड़े बड़े मीडोज होंगे, चारागाह होंगे और वुडलैंड्स होंगे। तो इस प्रकार के जो बड़े बड़े जंगल पहाड़ होते हैं, पहाड़ों में जंगल होते हैं, उनमें मैक्सिमम वाइल्ड लाइफ हमारी निवास करती है। अब आता है सॉयल। सॉयल क्या है। द सॉयल आल्सो वेरी ओवर स्पेस। जो मिट्टी है उसके प्रकार अलग अलग होते हैं, कहीं पर सैंडी सॉयल है, कहीं पर लोमी सॉयल है, कहीं पर ऐसी सॉयल है जो डेजर्टेड एरिया में जैसे कि कैक्टस वगैरह जहाँ पे उगते हैं, थॉर्नी बुशेज होती हैं, कुछ वाइल्ड और कहीं पर गीली मिट्टी है, मार्शी एरियाज हैं, डेल्टा का क्षेत्र है जहाँ दलदल होते हैं। अब इनमें जैसे मार्शी एरियाज में इट सपोर्ट द मैंग्रोव प्लांट्स, यहाँ पे दलदल वाले पौधे उगते हैं जो मैंग्रोव होते हैं, थैलोफाइट्स होते हैं डेल्टिक रीजन में,
और बहुत सारे हिली स्लोप्स के एरियाज में आपको कॉनिफर्स मिल जाएंगे, देवदार के पेड़, चीड़ के पेड़। क्लाइमेट की बात करेंगे तो अगला फैक्टर है क्लाइमेट। तो पहला हमने पढ़ा था लैंड, दूसरा सॉयल, तीसरा टेम्परेचर। टेम्परेचर में जो क्लाइमेट में टेम्परेचर आता है ये बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कहीं पर भी ये फ्लोरा और फौना को निर्धारित करने के लिए। उसमें जो टेम्परेचर होता है जहाँ पर ह्यूमिडिटी होती है एयर में ज़्यादा, प्रेसिपिटेशन होता है सॉयल वगैरह में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, वहाँ पे क्या होता है कि वेजिटेशन बहुत अच्छा होता है। जैसे हिमालय के स्लोप्स में पेनिनसुला रीजन है, हिली एरिया है, 915 मीटर की हाइट पर जो भी वहाँ पर टेम्परेचर होगा वो बहुत ही अफेक्ट करता है वेजिटेशन को और उसकी ग्रोथ को। और ये ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल लेवल, यानी कि जैसे जैसे हम पहाड़ों से नीचे उतरते जाते हैं, मैदानी क्षेत्रों में आते हैं, तो वैसे वैसे उसका टेम्परेचर भी अलग अलग बदलता जाता है। टेम्परेट रीजन में आते आते और अल्पाइन वेजिटेशन, यानी कि जो बहुत ऊँची ऊँची चोटियाँ होती हैं उन पर जो पाए जाने वाले पौधे होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम मिलता है। फिर दूसरा फैक्टर आता है फोटो पीरियड और सनलाइट पीरियड। फोटो पीरियड और सनलाइट पीरियड का मतलब है इट इज़ अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेज इज ड्यू टू डिफरेंसेज इन लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे। कहने का मतलब ये हुआ कि ये फोटो पीरियड का मतलब हुआ कि दीप्ति अवस्था, यानी कि कितने समय तक कहीं पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और डिफरेंट प्लेसेस पे पड़ता है, जैसे तो वो डिपेंड करता है कि उस जगह की ऊंचाई कितनी है और उस जगह पे सीजन कैसे होते हैं और किस टाइप का वहाँ पे टेम्परेचर है। पूरे दिन भर लाइट सूरज की रोशनी पड़ती है या नहीं पड़ती है। जहाँ पर पूरे दिन भर सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ वेजिटेशन बहुत अच्छा होता है। जहाँ पर कहते हैं कम वेजिटेशन है इसका मतलब वहाँ पर सूरज की रोशनी कम पड़ती है। अब है अगला फैक्टर प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है इन इंडिया ऑलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल इज़ ब्रॉट इन बाय एडवांसिंग साउथ वेस्ट मॉनसून जून टू सेप्टेम्बर। भारत में ये देखा गया है कि अक्सर जो रेनफॉल होती है वो लगभग जून से सेप्टेम्बर के महीने में बहुत ज़्यादा होती है, जो कि साउथ वेस्टर्न मानसून जो साउथ सिटी से आता है उधर से होकर आता है और उसके बाद में रिट्रीटिंग जो नॉर्थ ईस्ट मानसून कहलाता है, यानी कि जब लौटता हुआ मानसून होता है तो वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है, मतलब नॉर्थ वेस्ट से आएगा, सॉरी साउथ वेस्ट से आएगा, दक्षिण भारत से साउथ वेस्ट रीजन से, जैसे जिस साइड में केरला वगैरह है, और जाने के टाइम पर वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से होके जाता है। तो ये जो ये मानसून का रीजन है, ये एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन एंड कम्पेयर टू अदर एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। कहने का मतलब है कि जो एरियाज साउथ वेस्ट रीजन में वहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, और तो हैवी रेनफॉल की वजह से वहाँ पे डेंस वेजिटेशन पाया जाता है, जहाँ पे लेस रेनफॉल है वहाँ पे कम वेजिटेशन होगा। नेक्स्ट हम आते हैं कि फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड प्ले अ मेजर रोल इन एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉरेस्ट हैं वो अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ये ऐसा रोल प्ले करते हैं जिसमें रिसोर्सेज का रिन्यूएबल होता है और ये एनवायरनमेंट की क्वालिटी को बढ़ा देते हैं। दे मॉडिफाई ऑल्सो द लोकल क्लाइमेट, ये वहाँ के पर्टिकुलर रीजन का जो क्लाइमेट है उसको चेंज करके रख देते हैं। कंट्रोल सॉयल इरोजन, उस जगह की जो मिट्टी है उसको अपरदन से बचाते हैं, उड़ ना जाए वो मिट्टी, क्षरण ना हो जाए, उसका इरोड ना हो जाए, हट ना जाए, तो उस मिट्टी को पर्टिकुलर जगह से हटाने से ही बचाते हैं। इट ऑल्सो रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, ये जो बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं उसका स्ट्रीम फ्लो भी देखते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। झरनों की दिशा भी ये देख मतलब चेंज कर देते हैं जो फॉरेस्ट एरियाज होते हैं। सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज, यहाँ पर बहुत बड़े उद्योग लगते हैं। प्रोवाइड लाइवलीवुड फॉर मैनी इंडस्ट्रीज और फॉर मैनी पीपल्स और कम्युनिटीज एंड ऑफर पैनोरामिक और स्कैफिक व्यू फॉर रिक्रिएशन। साथ साथ फॉरेस्ट एक चीज़ और देते हैं आपको, एक प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ा देते हैं उस जगह का फॉर पर्टिकुलर। और फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग होते हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटी होती है, वो इसी के ऊपर अपनी लाइवलीवुड को पूरा डिपेंड होती है अपनी लाइवलीवुड के लिए। इट ऑल्सो कंट्रोल विंड फोर्सेस एंड टेम्परेचर, ये पर्टिकुलर रीजन का जो विंड का फोर्स है उसको भी रेगुलेट करते हैं, और उस सॉइल में ह्यूमस है या नहीं या कितना है उसको भी देखते हैं। और साथ साथ वाइल्ड लाइफ को भी शेल्टर करते हैं, मतलब कि जंगली जानवर जो जंगलों में पाए जाते हैं उनको भी ये शेल्टर देते हैं, उनको भी शरण देते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा बच्चों कि वाइल्ड लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा और इस नेचुरल वेजिटेशन पर डिपेंड है। अब हम आएंगे कि जो हिमालयन रीजन है, हिली रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया, और एक जगह है मरुस्थली, यानी कि जहाँ मरुस्थल है, तो यहाँ का वेजिटेशन डिफरेंट एरियाज़ का डिफरेंट टाइप का हो सकता है। और ह्यूमन ऑक्यूपेंसी के आधार पर देखें तो वहाँ पर वेजिटेशन जो कवर अप होता है, अगर हिमालयन रीजन में जाएंगे, हिली एरिया में जाएंगे तो ज़्यादा होगा,
और मरुस्थल में जाएंगे यानी कि डेजर्टेड एरिया में तो कम होगा। अब नेक्स्ट होता है कि इकोसिस्टम क्या चीज़ है। तो ऑल द प्लांट एंड एनिमल्स इन एन एरिया दे आर लार्ड इंटरडिपेंडेंट एंड इंटररिलेटेड टू ईच अदर इन देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। सभी प्रकार के जो पौधे हैं और पशु पक्षी हैं जानवर हैं वो सभी एक दूसरे पर डिपेंड हैं और एक दूसरे पर भोजन के लिए अपने सर्वाइवल के लिए वो एक दूसरे पर डिपेंड हैं। तो फिजिकल एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पर और यही इसी प्रकार से क्लाइमेटिक कंडीशन पर भी। तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है एक इकोसिस्टम, दैट इज़ फॉर्मिंग एन इकोसिस्टम। सो ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं वो भी हुए इकोसिस्टम बनाते हैं। ये कैसे अफेक्ट करते हैं उस वहाँ की जो इकोलॉजी को, दे यूटिलाइज द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि वो वहाँ की जो वेजिटेशन होता है पेड़ पौधे होते हैं उनका यूज़ करते हैं, वहाँ की वाइल्ड लाइफ का यूज़ करते हैं। अपनी ग्रीड के लिए ह्यूमन बींग क्या करता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं उनका ओवर यूटिलाइजेशन भी करता है, यानी कि हद से ज़्यादा पेड़ों को काटेगा और नदियों नालों से खनन करके रेत निकालता है, मिनरल्स निकालता है, ट्रीज को काट देता है, एनिमल्स को किल करता है। तो इससे इकोलॉजिकल इम्बेलेंस बढ़ता है। अब आता है कि वेरी लार्ज इकोसिस्टम, जो बहुत बड़े बड़े इकोसिस्टम पाए जाते हैं वो लैंड एरिया में बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट हैं और इसमें जो जितने भी टाइप का वेजिटेशन है और एनिमल लाइफ है उसको हम लोग बोलते हैं बायोम। सो द वेरी लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ इज कॉल्ड अ बायोम। द बायोम्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट्स, यानी कि बायोम्स को हम लोग प्लांट्स के बेसिस पे देखते हैं और किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले जितने भी वेजिटेशंस होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, उनकी वैरायटी, ये कहलाती है बायोम। अब आता है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन कितने टाइप का है, तो मेन ये जो वेजिटेशन है वो ये आपका मेनली जो है फाइव टाइप का है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और तो बच्चों आज हम इतना ही फिलहाल पढ़ेंगे इस पार्ट वन में। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन यू टू द नेक्स्ट, ओके। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर इट टू, टिल देन गुड बाय बाय।